ध्यान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज आप कजरी तीज पर क्या करें और क्या ना करें। आज कजरी तीज है, आज आप लोगों ने निर्जला व्रत अवश्य ही रखा होगा, लेकिन इस व्रत में होने वाली गलतियों से बच आप सकते हैं, क्योंकि कजरी तीज का जो व्रत है वह सुहागन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कजरी तीज पर क्या करें और क्या नहीं करें। कजरी तीज को कजली तीज भी या सातुड़ी तीज और या फिर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप इस दिन होने वाली किसी भी प्रकार के पाप से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कजरी तीज का निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए यदि आप कजरी तीज का व्रत कर रही हों तो निर्जला रहकर ही यह व्रत करें। अगला, यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कजरी तीज का पूरा श्रृंगार करना आवश्यक है। अगला, कजरी तीज का व्रत कुछ सुहागन महिलाएं अपने मायके या मामा के घर मनाती हैं। इस दिन आप अपने पति की सभी बातें माने, क्योंकि यह व्रत पति के लिए किया जाता है। कजरी तीज के दिन गेहूँ, चावल, चना और घी से बनी मिठाई बनाई जाती है, इसलिए आप भी यह मिठाई अवश्य बनाएं। अगला, इस दिन नीमड़ी माता की पूजा करी जाती है, इसलिए नीमड़ी माता की पूजा अवश्य करें और साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा करें। अगला, कजरी तीज के दिन जो भी पकवान बनते हैं उन्हें सांस के पैर पर छूकर उन्हें दिए जाते हैं। अगला, इस दिन मेहंदी को अत्यंत आवश्यक माना जाता है, इसलिए मेहंदी अवश्य लगाएं। कजरी तीज के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। कजरी तीज पर प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वह मेहंदी नहीं लगाएं। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर ही पूरा होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि कजरी तीज पर क्या नहीं करें। तो कजरी तीज पर आपको काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने। अगला, इस दिन बिना श्रृंगार के बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अगला, कजरी तीज पर साफ सफाई को भी विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए अपने घर में इस दिन साफ सफाई अवश्य रखें। अगला, इस दिन ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी की निंदा करें। अगला, कजरी तीज के दिन भूलकर भी किसी सुहागन स्त्री का अपमान नहीं करें। अगला, आपको इस दिन किसी भी रूप में बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगला, इस दिन आपको घर में कलेश नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपका जो व्रत का पूर्ण फल है वह प्राप्त नहीं होता। अगला, कजरी तीज के दिन अपने पति को किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुँचाए, उनकी बात माने, क्योंकि यह व्रत पति के लिए ही किया जाता है। अगला, आपको इस दिन अपने हाथों को खाली बिल्कुल भी नहीं रखना है। कजरी तीज के दिन घर में प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं होता, ना ही मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।